नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी एमपी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमपी जीके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था कब से प्रारंभ कर दी गई है? आईएएस अफसरों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है आपकी 13 अगस्त 2020 से। नई व्यवस्था के अंतर्गत आईएएस अधिकारियों को ऑनलाइन अवकाश में विदेश जाने का अवकाश नहीं मिलेगा, इसमें यह शर्त होगी। और इसके अलावा 6 संस्थानों में कार्यरत आईएएस अधिकारियों को उक्त ऑनलाइन अवकाश आवेदन देने की सुविधा प्राप्त नहीं की है, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश, राज्य मानवाधिकार आयोग, अटल स्वशासन संस्थान, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त कार्यालय तथा राज्य सूचना आयोग के जो आईएएस हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं होगी। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कितने स्कूल रिसोर्स रिच होंगे जिन्हें सीएम राइज स्कूल कहा जाएगा? इसमें 10,000 स्कूल ऐसे होंगे जो स्कूल रिसोर्स रिच होंगे और उन्हें क्या कहा जाएगा? सीएम राइज स्कूल कहा जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भाषा तथा गणित शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये मिशन अंकुर चलाया जा रहा है, वो भी भाषा तथा गणित शिक्षा में सुधार के लिए। संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने स्वाधीनता आंदोलन 1920 से 1947 पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ से किया है? ये उद्घाटन ये गृह जिला है इंदौर। ये जो ये मंत्री हैं सुश्री उषा ठाकुर, तो इन्होंने इंदौर से इस ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। संचालन पुरातत्व अभिलेखाकार एवं संग्रहालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी को विभागीय वेबसाइट ये वेबसाइट है पर देखा जा सकता है। संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने स्वतंत्रता आंदोलन 1920 से 1947 पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन ये 14 अगस्त 2020 को किया है। मध्य प्रदेश में विधिक सहायता कितने लाख रुपए सालाना आय वाले व्यक्ति भी प्राप्त कर सकेंगे? तो अब प्राप्त कर सकेंगे 2 लाख रुपए की जिसकी वार्षिक आय है उसे विधिक सहायता दी जाएगी मध्य प्रदेश शासन द्वारा। मध्य प्रदेश में कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है। द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत कमजोर वर्गों को अदालत में सरकारी व्यय पर वकीलों की मदद दी जाती है। पहले प्रावधान था कि ऐसे कमजोर व्यक्ति जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए है तक होगी तब इसे मिलता था। अब राज्य सरकार ने आय की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है और इसमें जो पात्र होंगे वो द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 12 के तहत विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पात्र होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, लोगों द्वारा सताया गया व्यक्ति, महिला एवं बच्चे, मानसिक या अन्य प्रकार से विकलांग व्यक्ति, जाति अत्याचार से संबंधित, बाढ़ या सूखा या भूकंप या औद्योगिक दुर्घटना में प्रभावित व्यक्ति, औद्योगिक कामगार दुष्कर्म का शिकार व्यक्ति ऐसे विधिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में ड्रोन से भू सर्वेक्षण अभियान में प्रथम चरण में 3 जिले शामिल किए गए हैं, निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं किया गया है? भू सर्वेक्षण ड्रोन में ये मंडला जिला शामिल नहीं है जबकि डिंडोरी, हरदा, सीहोर शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में ड्रोन से भू सर्वेक्षण का अभियान प्रारंभ हो गया है। पहले चरण में 3 जिले डिंडोरी, हरदा एवं सीहोर लिए गए हैं। अगले 3 सालों में यह सर्वेक्षण कार्य सभी जिलों में पूरा किया जाना है और आगामी 2 अक्टूबर 2020 को 33 गांव के लोगों को कंप्यूटराइज अभिलेख तैयार कर ग्रामवासियों को निःशुल्क भू अधिकार पुस्तिका उपलब्ध कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखने से पहले ये फैक्ट रह गया दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से 6 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020 जारी किए गए हैं 6 जुलाई 2020 को। शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना ये नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा उपरोक्त दोनों जिलों में प्रस्तावित है।
नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले में सक्कर पैंच लिंक संयुक्त परियोजना में 1,528.27 करोड़ रुपए व्यय होंगे और 95,839 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। ये 95,839 में सिंचाई होगी, क्या है हम इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों, ये कहां से अभी आया है, तो ये हम कुछ फैक्ट हैं तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा जल के अधिकतम उपयोग होती इस साल सबरा सरकार 6 योजनाओं में 12,279.30 करोड़ रुपए ये खर्च करने वाली है। इस हेतु उसने नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत नवीन बजट मद का प्रावधान कर दिया है। इन योजनाओं में 385,839 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी, साथ ही 50 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी होगा। नर्मदा न्यायाधिकरण के अवार्ड के अनुसार निर्धारित नर्मदा जल वर्ष 2024 तक प्रदेश में उपयोग किया जाना है। इसी के लिए 6 नवीन परियोजनाएं बनाई गई हैं और हमने एक परियोजना जो पिछले क्वेश्चन में है वह हमने देख लिया है कि नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले में सक्कर पैंच लिंक संयुक्त परियोजना जिस पर 1,528.27 करोड़ रुपए व्यय होंगे और 95,839 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इसके अलावा जो 5 और परियोजनाएं हैं वह हम देखते हैं। दूसरी परियोजना है आपकी कि राजगढ़ और शाजापुर जिले में ISP काली सिंध उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना फेज 2 यानी चरण 2 पर 4,497.52 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 1,00,000 हेक्टेयर में इसकी सिंचाई होगी। वहीं तीसरी परियोजना की बात करें तो धार जिले में कुछ ही उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना पर 2,144.14 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिससे 75,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। वहीं चौथी परियोजना की बात करें तो होशंगाबाद जिले में होशंगाबाद बैराज पर 550.62 करोड़ रुपए व्यय होंगे जिससे 25 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। और वहीं पांचवी परियोजना की बात करें तो हरदा जिले में हांडिया बैराज पर 1,200 करोड़ रुपए व्यय होंगे और जिसमें 25 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। तो 25-25 मेगावाट बिजली उत्पादन होशंगाबाद और हरदापुर जिले में होगी, हरदा जिले में होंगी दोस्तों, होशंगाबाद और हरदा जिले में। इंदौर जिले में साबिर उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना में 2,358.75 करोड़ रुपए व्यय होंगे जिससे 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। तो ये इम्पोर्टेंट 6 जो सिंचाई परियोजना है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये नर्मदा जल का उपयोग करने के लिए ये प्रस्तावित की गई हैं। हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट एक पंक्ति वन लाइनर के रूप में। मध्य प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस काउंसिल की स्थापना की जाएगी, तो MP एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश में आयुष सुपर स्पेशली अस्पताल विकसित कहाँ किए जा रहे हैं, ये भोपाल और इंदौर में विकसित किए जाएंगे इसमें। और तीसरा देखते हैं हम मध्य प्रदेश में सुशासन की दिशा में किस अवधारणा से जन सामान को मूलभूत सुविधाएं घर बैठे मिल सकेंगी, इसके लिए डिजिटल सुविधा का विस्तार किया जाएगा, तो इज ऑफ लाइफ अवधारणा से किया जाएगा, डिजिटल सुविधा का विस्तार भी किया जाना है इसमें। अब हम देखते हैं और कुछ मध्य प्रदेश में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, तो ये वैसी आपको जानकारी है 18 अगस्त 2020 से ये प्रारंभ हो रही है जो भी ये तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल होना है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदिवासी विभाग द्वारा विदेश में PG एवं PhD करने के लिए 1 वर्ष में 50 चयनित विद्यार्थियों को $40,000 की मदद दी जाती है विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के अंतर्गत। मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को अब अधिकतम 1 बार में कितने दिनों की आपात छुट्टियों की पात्रता है, कोरोना संक्रमण काल में लगातार 180 दिन की छुट्टियों की पात्रता है जो भी सजा पा चुके कैदी हैं। नर्मदा न्यायाधिकरण के अवार्ड के अनुसार नर्मदा जल का कब तक मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाना है, तो वर्ष 2024 तक किया जाना है। इससे संबंधित हमने फैक्ट देखे हैं, जो 6 परियोजनाएं हैं इम्पोर्टेंट वह देखी हमने। अपराध की उत्कृष्ट विवेचना के लिए मध्य प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों को यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है, तो 11 जो है वो पुलिस अधिकारियों को चुना गया है। हमने कल एक जो पुलिस अधिकारी है उसको लिया था, प्रवीण कुमार कुमरे, और इसमें और भी 10 हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 14 अगस्त 2020 को हुई तीसरी वर्चुअल कैबिनेट में किस अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी मिल गई है, मसौदे को मंजूरी मिली है सहकारी अधिनियम में संशोधन, जिससे कि जो विधायक हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो ये सहकारी सोसाइटी में उच्च पद पर बनाए जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं वो लोग, ऐसा है उसमें। तो आगे इसके फैक्ट निकल के आएंगे तो हम बताएंगे दोस्तों।
अब हम देखते हैं, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास कब किया गया था, तो इसका आंसर आपने कमेंट किया है, ये है 3 जुलाई 2017 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 जुलाई 2017 को ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास किया गया था। सिंगापुर के तकनीकी सहयोग से बनने वाले इस ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जो स्वतंत्र राजीव प्रताप रूढ़ी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। और आज का जो क्वेश्चन है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% करने हेतु मध्य प्रदेश विधानसभा से बिल कब पारित किया गया था, 8 अक्टूबर 2019, 8 अगस्त 2019, 8 जुलाई 2019, 8 दिसंबर 2019 में से एक आंसर आपका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता दें, आप हमारा सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, और हम इसकी PDF है और MCQ प्रैक्टिस है वह जल्द ही आपको प्रतिदिन मिला करेंगे, और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम उसके लिए भी कुछ करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।